नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम कुछ हटकर आपको दिखाने वाले हैं। मारूफ भाई के पास हम आए हुए हैं, इनकी नर्सरी है, युवा हैं, युवा होने के साथ में नर्सरी में ये डिग्री भी कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के नाम से। और बाकी अभी हम सबसे पहले मिलवा देते हैं आपको मारूफ भाई से, क्योंकि ये जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो एक नर्सरी के लिए एक गढ़ माना जाता है नर्सरी का हमारे आसपास के क्षेत्र में। ये सियाली गांव के पड़ता है गजरौला के पास। तो सबसे पहले हम मारू भाई से मिलवाते हैं। तो मारू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। तो थोड़ा सा अपना परिचय और अपने जो ये आपकी नर्सरी चल रही है किस नाम से है, कहाँ पे है, इसका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। जी साहब, मेरा नाम मारूफ खान है, नर्सरी भी मेरे नाम से ही है, एम के नर्सरी। और नर्सरी है जी ये गजरौला के पास सियाली जागीर गाँव पड़ता है। सियाली से थोड़ा पहले छोया मार कहते हैं, छोगी पुलिया भी कहा जाता है इसको। यहाँ मेरी नर्सरी है रोड पे ही। तो ये आपके पीछे दिख रही है काफ़ी बेहतरीन नर्सरी है, दिख रही है। तो अपने यहाँ पे जैसा कि आपने ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ है, तो किस किस टाइप के प्लांट अपने यहाँ पे मिल जाते हैं? ये अपने पास हर प्रकार का पेड़ मिलेगा, इंडोर आउटडोर। फिलहाल तो यहाँ इंडोर आउटडोर है, हमारा फार्म हाउस है वहाँ पे, हमारे मतलब हर तरीके का पेड़ मिलेगा। अच्छा, अपने फार्म हाउस से पहले तैयार होते हैं, उसके पास में अपना जो एक नर्सरी का अड्डा हो गया एक टाइप से, हम कहें गोदाम तो वही है। हाँ, गोदाम वही है, वहाँ से अपने यहाँ पे तैयार होके आते हैं। जी जी। तो अगर अच्छा हम बात करें जैसे कि ये सियाली फेमस है नर्सरी के लिए, तो अपनी जो ये नर्सरी है ये कितने सालों से यहाँ पे है? सब मेरी पैदाइश की नर्सरी है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ कि नर्सरी देखता आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपके पिताजी ने काफ़ी पहले से ये शुरू किया होगा? जी जी। तो अभी आप जैसे एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये डिप्लोमा जो है किससे रिलेटेड है, जो अपनी डिग्री है? नर्सरी से रिलेटिव है, और जो है ये हॉर्टिकल्चर होता है, इसमें नर्सरी की मतलब पढ़ाई होती है। अच्छा, पूरी नर्सरी की पढ़ाई होती है। जी जी। तो अभी हम चलते हैं आपके साथ थोड़ा आगे। या तो अपनी कंपनी बना लो। अच्छा, या कहीं जॉब कर लो, वो अपने ऊपर डिपेंड है। अच्छा, आप मतलब हॉर्टिकल्चर करके अपना खुद की कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? जी जी, उसमें बन सकती है। तो अगर हम आप थोड़ा सा हमें आगे चल के दिखाइए जरा थोड़ा कि अपनी नर्सरी में किस किस तरह के पौधे उपलब्ध हैं, जैसे कि ये है इंडोर प्लांट कहते हैं इसको, ये एरिका पाम है। अच्छा हाँ, ये एरिका पाम बोलते हैं इसको, मतलब क्वान्टिटी में मिलेगा, हमारा होलसेल का काम है। हाँ जी, ये इंडोर प्लांट है एरिका पाम। एरिका पाम? जी जी, एरिका पाम बोलते हैं इसको, इंडोर प्लांट, मतलब अपने कमरों में या होल वगैरह। अच्छा, में अंदर बंद उसमें लगा सकते हैं। जी जी जी। तो आगे चलते हैं, जो बाकी जो इनके काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे देखिए आपको नर्सरी में दिख रहे हैं। ये पेट्रा क्रोटन, ये भी इंडोर प्लांट है। अच्छा, सारा ये इंडोर में, जैसे कि जितने भी नेट के अंदर रखा है सब इंडोर प्लांट है। और ये मतलब बहुत मतलब फल तो इस पर नहीं आता, लेकिन शाइनिंग मतलब पत्तों वाली शाइनिंग बहुत और सुंदरता के लिए। जी जी जी, जैसे कि अगर हम देख के चले बड़े बड़े मतलब रूम ना, जो शहरों में गाँव में तो खैर बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लोग कम लगाते हैं। हाँ, मतलब गांव में तो पहले से इतना नेचुरल चीज़ें हैं कि शहरों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब अपने कमरों में लगाइए, रूम में जहाँ लोग सोते हैं, ऑक्सीजन मिलती है बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है। और बाकी उसके अलावा जैसे कि कॉरपोरेट ऑफिस हो गए, हाँ, उनमें लगाने के लिए काफ़ी ठीक है। और बाकी आगे चल के देख लेते हैं थोड़ा सा, और दोस्तों आपको दिखाते हैं कि काफ़ी बेहतरीन नर्सरी है यहाँ पे। हाँ जी, और आपको काफ़ी बेहतर बेहतर पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको दिख रहा है कितना ग्रीन ग्रीन एकदम सुंदरता आपको दिखाई दे रही है, वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। और ये सारा इंडोर प्लांट है जो घरों के अंदर आप लगा सकते हो। ये सब एरोगेरिया, इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। क्रिसमस ट्री बोलते हैं, जैसा कि हम फोटो में आज तक देखते आए हैं। दोस्तों आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ अभी, इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं, इसको इंडोर रखते हैं, इंडोर भी रखते हैं और ज़्यादा वो हो तो मतलब आउटडोर भी रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इसके साइज हो जाता है। जैसा कि ये वही सेम पेड़ है जो हमारा पहाड़ी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, उत्तराखंड वगैरह में, या कुछ अलग है उससे? नहीं, उससे अलग है, इंडोर प्लांट में आता है वैसे। अच्छा। तो जैसे कि पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो बाहर लगा दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, इंडोर भी आउटडोर दोनों है मतलब। अच्छा, ये दोनों में आता है, इंडोर आउटडोर में। आइए, उसके अलावा जैसा कि ये तो सारा अपना इंडोर छोटा ही मिल जाएगा, लेना चाहे कोई मतलब इंडोर प्लांट, छोटे तो खैर बड़ा है, इससे छोटा ही मिल जाएगा, दिखा दूंगा मैं अभी आगे है। चलिए, और बाकी जैसे कि अपना सारा ये इसमें जो जितना भी आपका अंदर साइड के अंदर दिख रहा है इंडोर प्लांट दिख रहा है, अगर हम आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में भी अपने पास किस भी दिखा दूंगा, वो बात को दिखा दूंगा, पहले ही देख लीजिए। ये इंडोर प्लांट है, इसके पत्ते ऐसे लगते हैं प्लास्टिक के हों। अच्छा, देखने में ये एकदम आर्टिफिशियल तो लगता है, लेकिन है ओरिजिनल प्लांट, ओरिजिनल एकदम, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है। ये अगर कोई ऑफिस में या मतलब रूम में रखना चाहे तो बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर अच्छा इनके प्राइस की अगर हम बात करें अपने यहाँ से, जैसे कि लोकल में रिटेल में जा रहा है और थोक में जा रहा है, तो उसमें लगभग इन सभी टाइप के पौधों का एवरेज प्राइस क्या रहता होगा? ऐसा रिटेल में जाएगा तो ये 150 रुपये का एक प्लांट है। अच्छा, अगर होलसेल में कोई लेता है तो
क्वांटिटीज है। हाँ मान लीजिए जब 1500 कोई पौधे लेता है तो उसमें तो लोग मान लीजिए 80 रुपये का एक पेड़ है। अच्छा जब ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा तो उसमें लगभग 80 रुपये का ये पेड़ पड़ जाएगा। उससे छोटा ही मिल जाएगा, छोटा और सस्ता होगा। हाँ वो अपना खुद वो साइज के ऊपर बात है, बड़ा लोगों का बड़ा मिल जाएगा लेकिन उसका अलग साइज उसका रेट अलग होगा। तो जैसा कि ये दिख रहा है आउटडोर में आपके एलोवेरा है ये, तो अपने पास में क्या इस टाइप के औषधीय पौधे भी आप रखते हैं? हाँ सब पौधे मिलते हैं, ये मेडिसिन में भी काम आता है। हाँ। जैसे कि लोग चेहरे वगैरह पर लगाते हैं, मतलब वो भी बहुत ग्लो करता है, बहुत बढ़िया होता है वाला पेड़। मतलब हर तरह का पौधा मिलता है, इससे छोटा मिल जाएगा बड़ा चाहिए बड़ा। ये अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो लगभग ये इस टाइप का जो पौधा है अपना इतना बड़ा साइज में ये एलोवेरा का ये कितने का पड़ जाता होगा? ये अगर कोई होलसेल में ले तो 30 रुपये का है। अच्छा होलसेल में लेता है तो 30 रुपये का, फुटकर में तो 50 रुपये का। हाँ एक सिंगल बीज। और पीछे जो काफ़ी बेहतरीन फुलवाड़ी टाइप से दिखाई दे रही है पौधे दिखाई दे रहे हैं फूल वाले, ऐसा ये आउटडोर प्लांट है। ये आउटडोर है, इसको क्या बोलते हैं? इसकी हेज बना जाए, हेज बना लो, जैसे बाउंड्री टाइप की बन जाती है ना तो फूल लगते हैं उस पर बढ़िया लगता है। और सिंगल कोई पेड़ लगाना चाहे सिंगल लगा लो वो भी बढ़िया रहेगा। तो काफ़ी अच्छा देखिए दोस्तों दिख रहा है ये, और हर तरह के पौधे आपको इनकी नर्सरी पे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये नर्सरी का जो काम है, जैसा कि आप तो अभी युवा हैं, आपके पिताजी तो काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं, जी जी जी, तो अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए और एक नर्सरी को बिजनेस के तौर पर लेके चलें, आप तो खुद एक डिग्री मास्टर अभी बैचलर डिग्री इसमें करने वाले हैं लेने वाले हैं, तो नर्सरी के काम को कैसा मतलब एक प्रॉफिट के तौर पर बिजनेस के तौर पर कैसा समझा जा सकता है? बहुत बढ़िया, जब भी तो लोग इतना सारा कर रहे हैं। अब आपके एरिया में तो देखा जाए गढ़ है पूरा, यहाँ नर्सरी यहाँ पे जो है कई सौ किलोमीटर दूर तक नर्सरियाँ हैं, कई सौ किलोमीटर दूर तक। मैं अभी यहाँ पीछे मैं पीछे अभी कुछ गाँव में घूम के आया था, किसी और पर्पज से मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों ने 10-10, 15-15 बीघे अपने खेतों में नर्सरियाँ तैयार कर रहे हैं, तो वो सारी नर्सरी फ्रंट पे आके यहीं पे अपने यहाँ पे आके बिकती है उसके बाद। और यहाँ से जितने भी आसपास जितने भी गांव हैं ये सब जगह नर्सरी मिलेगी। अच्छा कुछ स्पेशल अगर हम नर्सरी की बात करें अपने यहाँ पे, जैसे कि कुछ स्पेशल पौधों का नाम जो आप बताना चाहें दर्शकों को, किस किस टाइप के पौधे अपने यहाँ पे? किसी किसी के यहाँ मतलब कोई गांव या शहर में मतलब कोई पेड़ पौधा चाहिए, एक पौधा मेरे पास ऐसा है कि पड़ोसी भी उसकी खुशबू सूंघेंगे। चलिए देखते हैं आपके साथ उस तरह के। तो ये जो पौधा आप बता रहे हैं दिखा रहे हैं हमें, ये उस टाइप का पौधा है कि इसकी खुशबू काफ़ी दूर तक रहती है? हाँ पड़ोसी भी सूंघेंगे भाई साहब, पड़ोसी भी। अच्छा ऐसा क्या इसमें खास है? अगर हम देखें इसमें फूल खुशबू बहुत बढ़िया वाला आता है। ये यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश की वैरायटी है, आंध्र प्रदेश की वैरायटी। अगर हम इसकी खुद भी खुशबू लेना चाहें एक बार देखना चाहें तो अभी इस वाकई में दोस्तों काफ़ी अच्छी खुशबू है इस पुष्प की। अगर हम इस फूल जब बड़ा हो जाएगा ना तो पड़ोसी भी कहेंगे मतलब कि मतलब क्या चीज़ लगा ली, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया। इसका नाम क्या है? इसका बोलते हैं सोन चंपा। सोन चंपा, हाँ हाँ। तो इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस क्या रेट पड़ जाता है हमें? ये अगर रिटेल में कोई ले तो 500 रुपये का एक पेड़ है। अच्छा 500 रुपये का एक पेड़ है, तो काफ़ी महंगा भी है। और जिस हिसाब से कि इसकी क्वालिटी है दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे हैं खुशबू मैंने भी खुद सूंघ के देखी तो काफ़ी बढ़िया है, और उस हिसाब से काफ़ी। तो आगे चल के क्या इसका भी कोई नर्सरी खुद से तैयार कर सकता है या वही अपनी नर्सरी बनी बनाई आती है इसकी? नहीं नहीं ये तो रेडीमेड ही आता है, कोई रेडीमेड ही आता है। और भी देखिए आपको मैं आउटडोर में दिखा दूँ तो काफ़ी पौधे हमारे पीछे दिख रहे हैं, तो हर तरह की नर्सरी इनके पास में उपलब्ध है। कोई भाई चाहे संपर्क करना, और अगर कोई आपसे थोक में लेना चाहे और भाई फ़ोन एक बार आने के बाद यहाँ से वो आपसे संपर्क करता है तो क्या उसको डिलीवरी भी हो जाती है अपने यहाँ से? हाँ डिलीवरी हो जाएगी। मान लीजिए कोई 500, 200, 400 पौधे अगर लेके आपसे बात करता है तो उसको अपने यहाँ से डिलीवरी हो जाती है। जी जी। तो ये जो अपना सेट है पूरा लगभग टोटल, और जो अपना पूरा खेत है ये लगभग कितने एरिया में फैला हुआ होगा? ये तो ज़्यादा नहीं है खेत, तो 3 बीघे में है खैर, लेकिन हमारी जो नर्सरियाँ हैं वो 150 बीघे प्लस है। अच्छा 150 बीघे प्लस आपकी नर्सरियाँ बाहर अपने खेतों में रेडी हो रही हैं। जी जी जी। दोस्तों अभी आ गए हैं मारू भाई के बाग में, जहाँ पे कि इनका जो पूरे प्लांट है वो तैयार होते हैं। और मारू भाई यहाँ पे कितना अपना टोटल एरिया है जो बाग में कवर हो रहा है? यहाँ पे 40 बीघे लगभग। अच्छा ये जो हम प्लांट देखते हैं आज तक हमने शहरों में और बाहर घरों के बाहर लगे हुए देखे हैं, नाम एक्चुअली में मुझे भी नहीं पूरी जानकारी इसकी पता नहीं, तो इस प्लांट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बिस्मार्क पाम। अच्छा तो इसको भी शहरों में सुंदरता के लिए घरों के बाहर लगाया जाता है? घर के बाहर फार्म हाउस वगैरह में घरों में बीच में लगा देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है बड़े हो गए। तो ये हो जाता है, इसकी तो हाइट काफ़ी 15-20 फीट तक जाती है। इसका अभी का अगर हम इतने बड़े का देखें इसका प्राइस क्या होगा इस समय? इसका जो है अगर कोई मतलब जो होलसेल में ले मतलब 100-150 पेड़ कम से कम, तो इसका रेट है 6000 रुपये का एक पेड़। अच्छा 6000 रुपये का एक पेड़। किस साइज में? जो इतना साइज हमारा दिख रहा है ऐसा छोटा लेंगे तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा,
फिर 5,000 का, 4,000 का, 3,000 का ऐसे होते चले जाते हैं। तो काफी कॉस्टली पेड़ है अगर इसको देखा जाए तो। और हमारे पीछे बाम ये दिख रहा है, ये बोटल बाम है, बोटल बाम है। इससे भी बड़ा मिल जाएगा, रिंग वाला भी मिल जाएगा, मतलब रिंग वाला आते हैं वो रिंग वाला। ये रिंग वाला नहीं, नॉर्मल चलता है या नीचे से भी इसका रिंग वाला, मतलब जितना बड़ा हो जाएगा ना इतना रिंग बनते चले जाएंगे नीचे, मतलब बोटल टाइप का बन जाता है, बोटल होती है ना। हाँ, नीचे साइज जो बड़े पेड़ का बनता है। इसमें हम दिखाएंगे आपकी नर्सरी पे वो पेड़ है, तो उस पेड़ को हम उसका दिखाते हैं दोस्तों को। जी जी। बाकी उसके अलावा आप आगे चल के थोड़ा सा और दिखा दीजिए अपने यहाँ पे। इधर है फॉक्सटेल पाम है, ये वाला, ये है ना, ये वाला दिखा दो, फॉक्सटेल पाम है। अच्छा, इससे छोटा भी मिल जाएगा, इससे बड़ा चाहिए बड़ा भी मिल जाएगा। तो ये दोनों पेड़ देखने में तो लगभग सेम से लग रहा है, इनमें अंतर क्या है? वैरायटी अलग अलग है। वो बोटल पाम है वो मतलब यहीं तैयार होता है। अच्छा। और ये वाला जो है ना बाहर से आता है, ये बाहर से आया हुआ है, तैयार तो यहाँ पे हो जाता है लेकिन ये बाहर से आया हुआ है। वैरायटी अलग अलग है, वो बोटल पाम है, ये फॉक्सटेल पाम है। ये फॉक्सटेल पाम, चलिए आगे चलते हैं देखते हैं। 3,000 रुपये का एक पेड़ होगा ये वाला। अच्छा, 3,000 का एक पेड़ पड़ता है। ऐसा छोटा लेंगे तो छोटा और सस्ता हो जाएगा, 3,000, 2,500, 2,000 ऐसे हो जाएगा लगभग। तो ये जो पीछे दिख रहा है हमारा, ये भी लगभग देखने में तो सेम सा लग रहा है, ये कौन सा पेड़ है? ये एरिका पाम है। अच्छा, एरिका है। तो इसका जो अगर इसके पेड़ की बात करें तो इसके पेड़ में एक पौधे में कई सारे पौधे निकल रहे हैं, तो ये क्या अलग अलग पौधे हैं या एक ही पौधा? इसमें जो है ना ब्रांच निकल रही है इसकी अलग अलग, इसकी ब्रांच अलग अलग निकलती है इस टाइप से। चलिए, काफ़ी बढ़िया है ये पौधा भी देखा जाए तो। बाकी आगे देखते हैं और दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे चल के नर्सरी में मारूफ भाई के साथ। और ये इनकी नर्सरी देखिए आप, पीछे दिख जाएगी आपको, ये बाग है और यहाँ पे पीछे एमके नर्सरी के नाम से पीछे पूरा खेत जो है इनका यहाँ पे, और इसमें पूरा प्लांटेशन की तैयारी चल रही है। यहाँ पे सारे पौधे यहाँ तैयार हो के और मेन नर्सरी पे अपने यहाँ से चले जाते हैं। तो अच्छा, ये जो दिख रहा है आपके पीछे साइकस पाम, तो पाम की मुझे लग रहा है हर तरह की वैरायटी अपने नर्सरी पे उपलब्ध है, सभी वैरायटी मिलेगी। तो इसका अगर हम प्राइस की बात करें इतने बड़े पौधे का, इसका लगभग कितना प्राइस होगा? इसमें दो साइज है, ये वाला, ये वाला अलग है, बड़ा वाला, छोटा वाला अलग है। अच्छा। बड़ा वाला 4,000 रुपये के समथिंग होगा और छोटा वाला 2,000 रुपये के। तो ये लगभग कितने दिन में पेड़ तैयार हो जाता है, इतना बड़ा तैयार होने में कितना समय लग जाता है? कम से कम 4 साल लगेंगे इसको। 4 साल और बड़ा पूरा होने में तैयार होने में लगेंगे? नहीं, तैयार तो हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन और भी बड़ा करना चाहें तो और भी, मतलब कितना ही बड़ा कर लो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है, और बड़ा हो जाएगा ये। बाकी दोस्तों जैसा कि आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, देखिए पूरा आम का बाग है, आम के बाग में ये पूरी नर्सरी इनकी तैयार हो रही है और हर तरह के पेड़ हैं। अब नहीं दिखा पाऊँगा आपको सारे पेड़ वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो मेन पेड़ है वो आपको दिखाया जाए। बाकी इनके यहाँ पे चंदन भी है, वो चंदन भी मैं आपको अलग से वीडियो में दिखा दूंगा। आता है एक 1 kg वाला, आता है 1 kg वाला। अच्छा। उस पे 1 किलो का अमरूद आता है पूरा। अच्छा, 1 kg पे 1 किलो का ही लगेगा? 1 किलो का अमरूद आएगा पूरा उस पे। 1 kg वाला भी दिखा देंगे आपको, वो भी होता है अपने पास। चलिए, हाँ जी। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं और भी आपको मैं सुंदर पौधे दिखा देता हूँ इनकी नर्सरी में। अभी धूप हो रही है सर, शाम का वक्त है, तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है आपको, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा नेचुरल सा कि आप पहाड़ों पे कहाँ पे आ गए। गोल्डन साइपर्स इसको, ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है, बड़ा हो जाता है इसमें। आपने मूवीज में देखा होगा वो जी कश्मीर वाले नज़ारों में, लेकिन सेम नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा मारू भाई, अगर बात करें तो अपनी नर्सरी में चंदन तक उपलब्ध है यहाँ पे। जी जी। तो ये कौन सी चंदन है अपने यहाँ पे? रेड वाली, लाल वाली होती है ना चंदन। अच्छा। हाँ। तो इसका पौधा तो मुझे लग रहा है काफी कॉस्टली होगा अभी देखा जाए तो। हाँ, लगभग मतलब होलसेल में ले तो 200 रुपए के उसमें होगा। और ये लगभग कितने साल में तैयार हो जाता होगा? कम से कम 10 साल चाहिए इसको। अच्छा, 10 साल चाहिए। अगर प्रॉफिट की बात करें इस टाइप से, तो एक एवरेज अगर हम मोटा मोटा लेके चलें, भाई देखिए कोई अगर दर्शक वीडियो देख रहा है और हमारा आउट ऑफ यूपी से बाहर देख रहा है और कोई नर्सरी के काम में घुसना चाहे, शुरू करना चाहे, तो किस तरह की परेशानियां उसको सामना करना पड़ेगा? नया आदमी है तो देखिए आपके यहाँ तो एक थोक का ऐसा, इसमें जो है ना भैया दो काम होते हैं इसमें। एक तो होता है कि बंदा, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो यहीं तैयार हो जाते हैं। हाँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि मतलब बाहर से ला के बंदा यहाँ पे ला के सप्लाई करता है। अच्छा। जब बाहर से मंगा लिया, रख ली नर्सरी पे अपनी, उनको सेल कर रहा है, वो तो हो गया एक बिजनेस, मतलब आपकी ट्रेडिंग हो गई। और एक होता है कि पौधा के यहीं पे तैयार करके, मतलब यहीं बेचना, उसमें ज़्यादा कमाई होती है। जो यहाँ पे तैयार करेगा ना बंदा, खुद का तैयार करके कोई भी अगर बेचता है तो उसमें सीधी सी बात प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उसको अगर मान लीजिए कोई अगर कोई स्टार्टिंग में जीरो से शुरू करना चाहे तो उसको तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी एग्रीकल्चर का डिप्लोमा इस टाइप से होना ज़रूरी है। ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कीड़े वगैरह बहुत सारे लगते हैं, उन दवाइयों का बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। नलाई मतलब हर 20 दिन बाद मतलब नलाई मांगती है, बहुत सारी मतलब होनी चाहिए उसके लिए जानकारी होना। लग गया
अब दवाई कौन सी मारनी यार, दूसरे बंदे को नहीं नॉलेज तो दूसरी मार दे, उसमें दिक्कत आ जाएगी। हाँ, उसमें पौधे सूख जाएंगे। हाँ हाँ, चलिए मारू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नए दर्शकों को हमारे दी। और बाकी आपका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के नीचे दर्शकों को जिसको भी किस तरह के पौधों की ज़रूरत होगी तो डायरेक्टली वो आपके यहाँ आ सकता है, और सियाली में तो वैसे ही फेमस है पहले से। और बाकी दोस्तों आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी अलग हटके कुछ हम दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।